बताएं कि बड़ी जानकारी, प्रदेश में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 96 मरीज रिकवर हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए तो 146 नए मामले आए हैं। हालांकि आपको बताएं कि फरीदाबाद में 27, करनाल में 3 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कुल 10,617 मरीज जिनकी जान चली गई है। हरियाणा में कुल 9,86,259 केस। हरियाणा में कोरोना के 557 एक्टिव मामले हैं। बात की जाए रिकवरी रेट की तो 98.86% है। तो आपको बताएं कि प्रदेश में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि बात की जाए, कल भी हमने देखा कि प्रदेश में कोरोना के 129 के करीब मामले सामने आए थे। हालांकि यहां पर चिंता का जो विषय है वो ये भी है कि गुरुग्राम में 146 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका जिसमें इतने ज्यादा मामले आए हैं, ये ज्यादा चिंता का विषय है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या लग रहा है आपको? अगर गुरुग्राम की ही मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 146 नए मामले आए हैं, क्या गुरुग्राम के लोग अभी भी सावधान नहीं हैं? नहीं, देखिए साधना किस तरह से हम लोग कंटिन्यू जिक्र कर रहे थे कि फ्लक्चुएशन कोरोना में जारी है। बिल्कुल। और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उससे साफ लग रहा है कि अब एक बार फिर एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो निश्चित तौर से प्रदेश सरकार बहुत जल्द कोई और बंदिशें लगा सकती है, क्योंकि पहले जिस तरह से 100 से नीचे गुरुग्राम में मामले आ चुके थे और अब 146 है। 172 हालांकि मरीज ठीक हुए हैं और पूरे प्रदेश में 179 अगर मामले हैं तो उसमें 146 केवल गुरुग्राम है। साथ ही दिल्ली में भी मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इसको देखते हुए अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द बंदिशों की आवश्यकता है। और इसको लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत है कि कहीं ये कोई नई वेरियंट तो नहीं है जो फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है साधना की इस मामले में जिस तरह से बढ़ रहा है तो उसमें ठीक होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी जो लोग ठीक हो रहे हैं, संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन ठीक हो रहे हैं, अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से मल्टीपल संक्रमण होता है उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि अगर जल्द से जल्द एहतियात नहीं बरता गया, प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर मामले आज सैकड़ों में है, कल हजारों तक पहुंच सकते हैं। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।